Hello and welcome everyone. A very good morning and a warm welcome in this session. This session, which is based on an exciting journey of vocab development. Very good morning everyone. Parvez, Rahul, Devendra, Rajit, Ravindra, Rishabh, Prakash, Sabah, hain Subah, Chale. So, I think everything is all right. Let's get started then. आप तक ऑडियो वीडियो बिल्कुल ठीक ठाक पहुंच रहा है ओके okay, रमेश चंद जी आई योर बैच वॉच इजे सो जितने लोग भी कल जुड़े हैं कल की क्लास के बाद ये उम्मीद करता हूं कि आपने क्लास देखी होगी इस बैच की पहली क्लास हुई थी वानी वोकैबलरी हमारे सेक्शन की और आज इसकी दूसरी क्लास है अगर नहीं देखी है तो भी मैं आपको एक बार क्विक रिकैप दे देता हूं कल की क्लास में हमने क्या किया था कल मोटे तौर पे हमने ये समझा कि वोकेबलरी के अंदर हमारे पास दो तरह के चैलेंजेस होते हैं पहला चैलेंज है वो कैब को याद रखने का यानी हाउ टू रिमेंबर एंड हाउ टू डिवेलप वर्ड्स क्योंकि देखो याद रखने की लिमिट है लेकिन हम शब्दों को किस तरह से डेवलप करें सो so दैट उनके बीच का कनेक्शन समझ सकें उनके मीनिंग्स का इंटेलिजेंटली अंदाज़ा लगा सकें इंटेलिजेंट गेस कर सकें तो इसके ऊपर हमें फोकस करना है और जो दूसरा एरिया है वो है सही शब्द का सही जगह पे इस्तेमाल राइट यानी यूसेस की जो प्रॉब्लम है उसको हमें डील करना होता है वो में एंड uh, आप क्योंकि uh, अलग अलग तरह के कॉम्पिटिव एग्जाम के एक्सपेरेंट्स हैं तो आपका सामना होता है फिलर्स और क्लोजेस्ट जैसे क्वेश्चन के साथ जहाँ सही शब्दों का चुनाव करना होता है हमें खास तौर से सिमिलर वर्ड्स के बीच में डिफरेंस जानना है कि क्या डिफरेंस है उनमें तो ये दोनों बातें यानी हाउ टू रिमेंबर एंड हाउ टू यूज़ ये दो एरियाज हैं वो के अंदर शब्दों को याद रखने के हमारे पास फुल प्रूफ तरीके हैं और उनमें से एक तरीका है रूट वर्ड का जिसको हम पी आर एस मैथड कहते हैं और कल इस मैथड को मैंने इंट्रोड्यूस किया था बिल्कुल ही आसान है बिल्कुल वैसे ही जैसे हिंदी और संस्कृत में संधियाँ होती हैं वहाँ एक मूल शब्द आता है बीच में उसके पहले जो लगता है उसे उपसर्ग कहते हो आप और जो बाद में लिखा होता है उसे प्रत्यय कहते हैं वैसे यहाँ पे पी आर एस इट स्टैंड फॉर प्रेफिक्स रूट एंड सफिक्स तो हर रूट का हर प्रेफिक्स का अपना एक मतलब होता है सफिक्स का एक मतलब होता है और जब आपको उन मतलबों का पता होता है तो डेफिनेटली वो सारे शब्द जिनमें वो इस्तेमाल हो रहे हैं रूट्स उनके मतलब का आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं तो आज हम उसी के ऊपर फोकस करेंगे और मैंने आपको कल भी बताया था कि हम 300 प्लस इंपॉर्टेंट रूट वर्ड्स यहाँ पे करने वाले हैं बिल्कुल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यानी ए से जो इम्पोर्टेंट हैं फिर बी सी डी इस तरीके से और ए से शुरू होने वाले जो वर्ड्स हैं वो हमारे सामने हैं तो आइए Without further ado, let's get started. Which English dictionary should I follow? देवजीत I will talk about these things in the last फाइव minutes, right? तो so, आप याद जरूर दिला दीजिएगा सेशन के लास्ट में कल जब हम root word की बात कर रहे थे तो दो important बातें हमने सीखी थी और वो क्या क्या कि भाई पहली चीज तो ये कि एक रूटवर्ड के एक से ज्यादा मतलब हो सकते हैं और दूसरी बात कि एक मतलब के लिए एक से ज्यादा word हो सकता है तो इसीलिए जो भी रूट वर्ड्स मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा अगर वो एक मीनिंग के लिए है और एक से ज़्यादा है तो वो सारे यहाँ पे मैंशनड होंगे कि आपको बार बार कन्फ्यूजन ना हो राइट right, आइए शुरू करते हैं तो सबसे पहला जो है रूट वर्ड वो है ए बी या ए बी एस और यहाँ पे साफ साफ तौर पे लिखा है कि इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं प्रेफिक्स के तौर पे करते हैं और इसकी मीनिंग क्या होती है इसकी मीनिंग होती है अवे फ्रॉम या सेपरेशन यानी ए बी या एबीएस किसी शब्द के पहले लगेगा और जिसके पहले लगेगा वहां पे सेंस किसका आएगा कोई चीज किसी से दूर जा रही है सेपरेट हो रही है शब्द बहुत ही आसान सबसे पहला अब्रिविएट आप सब जानते हैं और देखिए हर शब्द के साथ जो इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ आपको बता दूं यहाँ पे ये वर्ड है वर्ड के बाद ये आपका एक शब्द के अंदर कितने सिलेबल होते हैं सिलेबल का मतलब क्या जब हम रूट वर्ड की बात करते हैं तो अब क्योंकि एक शब्द के अंदर टुकड़े जुड़ रहे हैं उन्हीं टुकड़ों को हम क्या कहते हैं सिलेबल कहते हैं तो उसके बाद आपको सिलेबल नजर आएगा कि बोलने में आपको किस तरीके से इसकी प्रोनाउंसिएशन करनी है अब जैसे यहां पे लिखा ना अब्रिविएट अब्रिविट अब्रिविएट तो वही ए बी एक साथ और ब्रिविएट एक साथ है अब्रिवियट बिकॉज प्रोनाउंसिएशन ऑल्सो प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ये सबको पता है ठीक है ये सभी को पता है और ये रूट वर्ड का जो मेथड ये हमारी प्रोनाउंसिएशन भी बेहतर करता है डेफिनेटली पेपर के लिखने में प्रोनाउंसिएशन का कोई रोल नहीं है बट वाइल यू आर स्पीकिंग यू आर सपोज टू स्पीक करेक्टली यू आर सपोज टू प्रोनाउंस वर्ड करेक्टली तो जब हम रूट वर्ड की बात करते हैं तो क्योंकि हमें यहाँ एक शब्द में इस्तेमाल होने वाले अलग अलग टुकड़ों का पता होता है और उसमें आप ये भी सीखेंगे ये जो यहाँ पे मैंने आपके सामने ये इंफॉर्मेशन दी है कि, कि किस शब्द के ऊपर हमें ज्यादा जोर देना है अब जैसे यहाँ पे आप देखें तो बी कैपिटल्स में लिखा है कैपिटल्स में लिखा है इसका मतलब बोलने में बी पे अब्रिवियेट, अब्रिवियेट, अब देख रहे हो अब पे आवाज ऊपर जा रही है पे नीचे जा रही है। हम क्या करते हैं हमसे गलतियां होती हैं कि हम इसको मोनोटोन में बोल लेते हैं जैसे आपने सुना होगा इंटरनेट सो so, इंटरनेट आप बोल रहे हो बट द राइट प्रोनाशिएशन इज इंटरनेट इंटरनेट इंटर पे कम जोर है नेट पे ज्यादा है राइट right? सो so, इंटरनेट आपको कई बार ये लगता है ना कि भाई मैंने भी स्पीकिंग क्लासेस कहीं करी हैं बट स्टिल जब मैं बोलता हूँ तो वो बात तो नहीं आती जो कुछ लोगों के बोलने में आती है तो अगर आप स्पीकिंग के नाम पे यू आर जस्ट काइंड ऑफ मगिंग अप सर्टेन टेम्पलेट्स कि इसको ऐसा ये कहा जाता है इसको ये कहा जाता है आ, और यू आर डूइंग ट्रांसलेशन बिकॉज ट्रांसलेशन तो हम बचपन से कर रहे हैं <laughs> तो आ, हमें बोलने में दिक्कत है लिखने में या पढ़ने में दिक्कत नहीं है तो बोलने के लिए बोलना पड़ेगा और बोलने में जो कमियां हैं वो देखनी पड़ेंगी तो शब्दों के उच्चारण में हम मोनोटनस हो जाते हैं मोनोटोन में बोलते हैं जैसे इंटरनेट ये मोनोटोन है हर एक शब्द को पूरा चबा के बराबर इज्जत देते हुए आप बोल रहे हैं बट द राइट प्रोनाउंसिएशन इज इंटरनेट इंटरनेट राइट इसी तरीके से अबाउट अबाउट इट्स नॉट अबाउट या अबाउट इट्स अबाउट अबाउट अ पे जोर कम है अबाउट पे ज्यादा है ये तो इसी तरीके से आप इन सारे शब्दों के साथ सीखेंगे तो एक दूसरा फायदा यह भी हो रहा है कि शब्द तो सीखोगे सीखोगे साथ ही साथ आपकी प्रोनाउंसिएशन भी बेहतर होगी ठीक है तो ये आ, आपको सिलेबस दिखा रहा है ये दिखा रहा है और ये इसकी मीनिंग है ठीक है बाकी जो मुझे ज्ञान देना होगा वो बगल में मैं लिख दूंगा और ग्रामेटिकल इंफॉर्मेशन भी आपके पास है कि पार्ट ऑफ स्पीच से यह क्या है तो अब्रिवियट टू शॉर्टन एन आर मेक ब्रीफ किसी चीज को छोटा करना वो उसको अब्रिविएट करना होता है वर्ब के तौर पर abdicate अब देखो द right pronunciation is abdicate 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 इधर भी आपको दिख रहा है ना थोड़ा थोड़ा सा लकी किया बट अब को बिल्कुल तो abdicate इसका क्या मतलब होता है अगर आपने किसी चीज को abdicate किया है तो इसका मतलब है टू गिव अप एज abdicate a throne वहां बहुत इस्तेमाल होता है कि राजा ने अपनी राजगद्दी छोड़ दी त्याग दी तो abbreviate छोटा करना abdicate त्याग देना abduct एबडक अब एबडक्टर आप सुनते हैं जो किडनैपर होता है तो एबडक्ट का मतलब टू लीड अवे बाई फोर्स यानी बल प्रयोग करके किसी को कहीं से दूर ले जाना वो एपडिकेट करना है या जिसको हम कहते हैं किडनैप करना अब यहीं से पेपर में आ जाए कि उस इंसान को क्या कहेंगे जो किसी को किडनैप करे तो बस क्या करना है एबडकटर एबडक्टर और मैं अगर आपसे पूछूं कि जिसको किडनैप uh, किया गया है उसे क्या कहा जाता है तो उसे एबडक्टी कहा जाता है देखो ये ब्यूटी है हमारे रूट वर्ड मैथड्स की कि अब जैसे मैं यहाँ पे अगर ए बी का इस्तेमाल करके बीस वर्ड लिख रहा हूं तो ये मान के चलें कि अगर हम हर तरह के ग्रामेटिकल प्रोफाइल या उससे बनने वाले शब्दों को देखने लग जाएं तो इन बीस से कम से कम पचास वर्ड आपके पास पहुंच जाएंगे और इसीलिए मैंने कहा था कि एक क्लास में आप डेढ़ सौ दो सौ वर्ड सीख के जाएंगे मेरे साथ और वो भी बिना रटे हुए बस बातों को ध्यान से सुनना है और गुनना है राइट कि इसकी गणित आपको समझ में आ जाए तो अब देखो एबडक्टर और एबडक्टी जो दोनों जो हैं, वो है वो कॉमन नाउन है कॉमन नाउन हो गए तो पेपर में जैसे वन वर्ड में आता है ना वन वर्ड के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको पेपर में वो या तो कलेक्टिव नाउन होते हैं या कॉमन नाउन होते हैं कि भाई इस काम को करने वाले व्यक्ति को एक शब्द में क्या कहेंगे यानी वो एक कॉमन नेम है उस तरह के काम करने वाले सभी लोगों के लिए या वो किसी ग्रुप के लिए एक शब्द पूछ लेंगे तो एबडक्टर हो गया अपहरण करने वाला और जिसका अपहरण हुआ है उसे एबडक्टी कहा जाता है जैसे हम जो परीक्षा लेने वाला है वो एग्जामिनर होता है जो परीक्षा देने वाला है वो एग्जामिनी होता है जो आपको कोच कर रहा है वो कोच है जैसे मैं यहाँ पे कोच हूँ और आप सब कोची हैं तो ये डबल ही लगा करके शिष्य वाला साइड आ जाता है जो रिसीविंग एंड पे अब देखो इतने सारे शब्द आ गए ना क्योंकि आपको डायनेमिक समझ आ गई रादर देन रटने के अगला शब्द है एबरेशन 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 दैट इज नाउन एक्ट ऑफ वॉन्डरिंग अवे आर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड अब देखो वॉन्डर जो शब्द है ना वंडर तो सभी को पता है वंडरफुल वॉन्डरिंग क्या होता है वॉन्डरिंग का मतलब कि जब आप ऐसे ही घूम रहे हो इधर उधर वॉन्डरिंग कर रहे हो कहीं भी मतलब किसी पर्पज से कहीं नहीं जा रहे जस्ट तफरी के लिए आप घूम रहे तो उसे हम वॉन्डरिंग कहते हैं तो एबरेशन एक्चुअली अब एक्ट ऑफ वॉन्डरिंग भी है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड भी आप कह सकते हैं या एक सिंपल और शब्दों में मैं यहां पे कहूं तो डिवियेशन फ्रॉम स्टैंडर्ड कोई भी जो स्टैंडर्ड मानक है किसी भी चीज का अगर आप उससे डिविएट कर रहे हैं क्योंकि देखो एरर से आप दिमाग में रख सकते हो एरर का मतलब सभी को पता है भाई कहीं पे भी एरर है इसका मतलब वहां पे गलतियां हैं तो अगर एबरेशन आ रहा है इसका मतलब कि जो स्टैंडर्ड है वो उससे डिविएट कर रहा है अब उसको आप किसी भी सेंस में यूज कर लीजिए किसी का माइंड साउंड नहीं है वो कहते ना कि भाई अजीब सा बिहेवियर है उसका बहका बहका सा लगता है तो वहां पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एक्ट ऑफ वॉन्डरिंग वॉन्डर आदमी कब करता है जब उसे पता ही नहीं उसे कहां जाना है उसके मन में क्लैरिटी नहीं है वो डिविएटेड है थोड़ा बहका हुआ है अगला शब्द है अभोर अभोर बहुत प्यारा शब्द है ये भी बार बार आता है टू टर्न अवे फ्रॉम लोथ और शडर एट अब इससे बनने वाला नाउन क्या होता है एभोरेंस एभरेंस एवरेंट अगर हो जाएगा तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा तो घृणा इसका मतलब होता है सिंपल शब्दों में राइट right? घृणा हो गया और घृणा ये हाई डिग्री की है जैसे मैं कल जब आपसे बात कर रहा था कि भाई वो कैब डेवलपमेंट के तो हमारे मेथड्स हैं रूट वर्ड इस पर हम काम कर रहे हैं उसके बाद हम ग्रुप मेथड पे चलेंगे जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं उनकी बात करेंगे होमोफोन्स पैरोनिम्स बहुत सारे शब्द सीखते हैं दूसरी बात हमने की थी शब्द के प्रयोग की कैसे हम कंफ्यूजिंग वर्ड्स या खास तौर से जो सिनोनिमस वर्ड्स हैं मिलते जुलते शब्द हैं उनको किन किन आधारों पे किन किन बेसिस पे अलग कर सकते हैं तो उसमें मैंने कल जिक्र किया था जो लोग आज नए हैं आप करियर वेलैब पे जाके क्लास देख सकते हैं वहां पर पहली क्लास अवेलेबल है तो वहां मैंने चार पैरामीटर बताए थे कॉनोटेशन कॉलोकेशन कॉन्टेक्स्ट एंड डिग्री ये चार ऐसे आधार हैं जिनके बेसिस पे आप सिनोनिमस वर्ड्स को डिफ्रेंसिएट कर सकते हैं क्योंकि हमें एग्जाम ये नहीं कहता कि इनके चार सिनोनिम लिखो हमें चार में से एक चूज करना होता है और चूज हम तब कर पाएंगे जब हमारे पास कोई मैकेनिज्म है कोई तरीका है तो उसी तरीके में एक शब्द आता है डिग्री अब जैसे मैं अब यहाँ पे जो हिंदी मीनिंग मैंने कल आपको मना किया था कि हिंदी मीनिंग बिल्कुल रटना बंद कर दीजिए तो अब होर का मान लो हिंदी मीनिंग आपने पढ़ा घृणा तो अगर आप एक यू नो जिंदा हालात में है आपका दिमाग लाइव कंडीशन में है तो आपके मन में सवाल आएगा यार मैंने तो हेट भी पढ़ा है बचपन में हेट का मतलब तो घृणा होता है और यह बहुत ही जेनेरिक वर्ड है हेट तो फिर अभोर भी घृणा होता है लोथ भी घृणा होता है डिटेस्ट भी घृणा होता है तो आखिर इन शब्दों में फर्क क्या है और वही बात कोई पेपर आपसे ये नहीं पूछ रहा कि शब्द का हिंदी अर्थ लिखिए या इसके पर्यायवाची लिखिए अब आपकी समस्या तब खड़ी होगी जब आपके पास ये सारे शब्द आ जाएं कि वहां डिसलाइक भी है और हेट भी है और अभोर भी है एक शब्द था आपने बाहर कर लिया बट इन तीन, तीन में आप कंफ्यूज हैं क्योंकि आपने बहुत ही सतही तौर पर यह पढ़ा है कि इनका मतलब घृणा होता है इनमें फर्क होता है डिग्री का शब्द की इंटेंसिटी का जैसे होता है ना कि हल्का प्यार फिर बहुत गहरा प्यार तो वैसे ही घृणा भी होती है दुश्मनी भी होती है अब आप अगर किसी चीज को डिसलाइक करें दैट इज ऑल फाइन लाइक डिसलाइक लेकिन अभी आप उस चीज को हेट करने लग जाए तो अब उस डिसलाइक की डिग्री बढ़ रही है और अब आप अभोर करने लग जाएं वो चीज आपके लिए एबोरेंट हो गई है या आप उसके लिए अबोरेंस शो कर रहे हैं तो इसका मतलब कि वो और हाई डिग्री की घृणा है वो नाकाबिल बर्दाश्त है आप उसको बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर सकते सो दैट इज द मीनिंग राइट ठीक है तो देखो ये भी दो शब्द आपके यहां से निकल गए लोथ अब ये लोथ के साथ शब्द और आपके पास एक आता है एल ओ ए टी एच और एल ओ ए टी एच ई देखो ये भी कंफ्यूजिंग वर्ड इनके ऊपर बड़े सारे क्वेश्चंस प्यारे क्वेश्चन बन जाते हैं क्योंकि शब्द यहां आया हुआ है तो जिक्र कर लेता हूं ये जो लोथ है ये एडजेक्टिव है और ये लोथ जो है ये वर्ब है एक्चुअली तो ई लगा करके आप इसको क्या बना लेते हो इसको आप वर्ब बना लेते हो तो ये फर्क यहां पे आ जाता है ठीक है एब्ज्योर टू स्वियर अवे आर रिनाउंस एब्जोर करना तो यानी जब आप शपथ लेकर के मैं अग्नि को साक्षी मानकर यू you नो know, ये वचन देता हूं कि मैं इस चीज को त्याग इसीलिए लिखा है शपथ लेकर के आप उस चीज को दूर कर रहे हैं क्योंकि यहां पे दूर वाला एस्पेक्ट है इसीलिए मीनिंग इस तरह से लिखी गई है आपके समझने के लिए क्योंकि अवे का कॉन्टेक्स्ट का होगा तो ज्योर ज्योरी अब यहां पे देखो ज्योरिस्डिक्शन जे यू डी जे यू आर वो सब शपथ और न्यायालय और सत्य और जस्ट उसके साथ जुड़ा हुआ है तो शपथ लेकर के आप किसी चीज को दूर कर रहे हैं उसी को कहा जाता है रिनाउंस कर रहे हैं और यहां पे एक और इंपॉर्टेंट लर्निंग आपके लिए मैं दे रहा हूं खासतौर से स्पेलिंग एरर के लिए ये देखिए रिनाउंस जो शब्द है ये वर्ब है इससे बनने वाला नाउन होता है रिनंसियेशन तो इसीलिए अब ऐसा नहीं है कि आपको अगर रिनाउंस पता है तो रेनाउंसिएशन के लिए आप डिक्शनरी देखेंगे प्रोवाइडेड दैट यू हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रामेटिकल प्रोफाइल अगर आपकी ग्रामर ही बहुत हिली हुई है और आप शब्दों की ग्रामेटिकल प्रोफाइल नहीं पहचान पाते तो आपको क्या लगता है कि हर शब्द नया है हर शब्द नया नहीं होता अब अवोर आपको अभोर अभोरस अबोरेंट एक ही शब्द से बने हुए अलग अलग ग्रामेटिकल प्रोफाइल के शब्द हैं तो जिस तरह का प्रोफाइल है एडजेक्टिव है तो उसके अनुसार मतलब निकल जाएगा एडवर्ब है तो उसके हिसाब से निकल लेगा नाउन है तो नाउन के अकॉर्डिंग निकाल लोगे वर्ब है तो वर्ब के अकॉर्डिंग निकाल लोगे आप मतलब उसका आप उसको देखने नहीं जाओगे चार बार राइट तो अगर आप इस बैच में हैं एंड योर फंडामेंटल्स ऑफ ग्रामर आर नॉट इन अ गुड स्टेट सो यू कैन ज्वाइन माय फाउंडेशन बैच एज वेल उसमें भी एडमिशन ऑन है करियर वेल ऐप पे अभी हम उसमें नाउन चैप्टर कर रहे हैं उसके पहले ग्रामर फाउंडेशन की सात क्लासेस हुई हैं और उन सभी क्लासेस के अंदर मैं यही काम सबसे पहले सिखाता हूँ हर बैच में अब क्योंकि ये स्पेसिफाइड वो कैब का बैच है तो यहाँ हमने उसकी चर्चा नहीं की कि भाई सब कुछ पढ़ने के बाद भी वी आर नॉट इन द पोजिशन टू आइडेंटिफाई वर्ड्स और उनकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल हमें पहचानने में दिक्कत होती है वेन द सेंटेंसेज आर लेंदियर वंस हम उनको ब्रेक नहीं कर पाते हमारा वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट बचपन से पढ़ा है वो वहाँ अप्लाई नहीं हो पाता बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे फ्रेजेस भी होते हैं क्लॉजेज भी होते हैं और बहुत सारे लोगों को इन दोनों टर्म के साथ उतनी बेहतर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो दैट इज वाई आफ्टर डूइंग ऑल दिस ग्रामर थिंग आफ्टर पासिंग आउट स्कूल एंड कॉलेजे स्टिल मोस्ट ऑफ द पीपल एक्चुअली गेट कन्फ्यूज इन अंडरस्टैंडिंग लेंदी सेंटेंसेज लेट अलोन पैराग्राफ पैराग्राफ तो बाद की कड़ी है अगर मुझे इंग्लिश में एक सेंटेंस कॉन्फिडेंटली समझ नहीं आ रहा क्योंकि मैं स्ट्रक्चर नहीं समझ पा रहा और स्ट्रक्चर क्यों नहीं समझ पा रहा क्योंकि मुझे सेंटेंस स्ट्रक्चर की समझ के लिए जिन जो बेसिक्स मेरे क्लियर होने चाहिए कि भाई हर एक वर्ड की ग्रामेटिकल प्रोफाइल मैं पहचान पाता हूँ क्या क्या मुझे नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रेपोजिशन कंजंक्शन का फंक्शनल एस्पेक्ट पता है क्या क्या इनका रोल क्या है क्या आप उसके काम के हिसाब से नाम दे सकें फिर शब्दों के समूह को फ्रेज कहते हैं जिसके पास कोई वर्ब नहीं होता वो फ्रेज जैसा काम करता है वैसा उसको नाम देते हो नाउन फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज एडवर्बियल फ्रेज और फिर बारी आती है क्लॉजेस की जो सेंटेंस का ही पार्ट है लेकिन पार्ट होते हुए भी उसके पास अपना सब्जेक्ट और वर्ब होता है और वो भी काम कैसा कर रहा है अगर नाउन वाला काम कर रहा है तो उसे हम नाउन क्लॉज कहते हैं अगर वो एडजेक्टिव का, का काम कर रहा है तो एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं एडवर्ब का, का काम कर रहा है तो एडवर्बियल क्लॉज कहते हैं तो ये फंडामेंटल्स आपको पता होने चाहिए राइट क्योंकि सबसे बेसिक लेवल का जो चैलेंज है वोकेबलरी के अंदर वो भी ग्रामर के ही बेसिस पे है आप एम टी एस सी एच एस एल सी जी एल सी पी ओ स्टेनो कोई भी एस एस सी का पेपर उठा के देख लें क्योंकि एस एस सी जो है वो डिफिकल्टी में लोवेस्ट लेवल का एग्जाम माना जाता है बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के मुकाबले उसके ऊपर आई है उसके ऊपर एस है उसके ऊपर कैट जैट आई है उसके ऊपर जी है शायद जी आर ई वोकैब इंटेंसिव एग्जाम है इंटरनेशनल तो ये सीढ़ी है अगर मैं सिर्फ वोकैब की ही बात करूं तो आपके एस के जितने भी एग्जाम हैं इनमें आप देखोगे थर्टी फोर्टी परसेंट क्वेश्चन जो हैं वो ग्रामर इंटेंसिव होते हैं यानी अगर आपको शब्द का पता है आप जैसे एवोर अबोरेंट अबोरेंस दे दिया एवोरेंटली दे दिया तो एक ही ब्लैंक प्लेस के लिए चार दे देंगे और आपको ये चेक करेंगे वो कि आप सेंटेंस को पढ़ के ये अंदाजा लगा पा रहे हैं या नहीं कि इस ब्लैंक प्लेस में मुझे नाउन चाहिए कि एडजेक्टिव चाहिए कि वर्ब चाहिए कि एडवर्ब चाहिए आप पेपर उठा के दो अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो आपने पेपर्स देखे होंगे आप उठा के देखें दस साल का देख लें पिछले पाँच साल का देख लें यू विल ऑलवेज गेट अ मेजर चंक ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम ग्रामेटिकल अंडरस्टैंडिंग इवन इन सीरियल मेन्स यू गेट क्वेश्चन क्लोज टेस्ट में फिलर्स के अंदर वो भी आता है तो इसीलिए सबसे पहले अपनी जो फंडामेंटल्स है ग्रामर की ना उनको दुरुस्त करिए उससे मल्टीप्लायर इफेक्ट आ जाएगा अब जैसे हमने एक शब्द सीखा तो तीन हो गया ना अभी मैं मान लो लोथ की बात कर रहा हूं अभी मन में मेरे और शब्द आ रहे हैं जैसे क्योंकि इस पैटर्न पे बहुत सारे शब्द बनते हैं अब फॉर एग्जाम्पल अब आ रहा है तो बात बता ही देता हूं आपने अभी न्यूज में भी पढ़ा होगा कश्मीर में जो घटना घटी है और वहां पर जब भी इस तरह की वीर गति की प्राप्ति होती है हमारे सैनिकों की तो वहां रेथ लेंग सेरेमनी होता है जो डीएसपी साहब वहां पे जिनकी शहादत हुई वीरगति को प्राप्त हुए उनके पिताजी ने जाकर के वहां पे रेथ लेंग सेरेमनी करी कल वो वीडियो न्यूज में था तो अब वहां से देखो आप रेथ लेंग सेरेमनी रेथ का मतलब होता है सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स यानी वो सर्कल में फूल लगा करके वहां पर दिया जाता है फूल कई तरह से दे सकते हैं भाई फूल की माला भी हो सकती है जिसको हम गार्लैंड कहते हैं फूल का बुके भी हो सकता है राइट right, बुके दे दिया फूल को ऐसे आपने पुष्पांजलि कर दी तो देर आर मल्टीपल वेज जिसके जरिए आप किसी के प्रति श्रद्धा दिखाते हैं लेकिन रथ सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स है वो फिक्स्ड होता है उसको रथ कहा जाता है तो दिस इज नाउन ये नाउन हो गया लेकिन अब देखो किस तरह से ये गणित चलती है दिस इज नाउन बट ये रेत क्या है ये वर्ब है अब इससे कैसे अंदाजा लगा सकते हो कि रेत क्योंकि सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स है इसीलिए डब्ल्यू आर ई -E ए टी एच ई -E अगर हमने कर दिया तो इसका मतलब हो जाता है टू एन सर्कल समथिंग यानी अगर आप किसी चीज के चारों तरफ एक घेरा बना रहे हैं समथिंग को मैं एस टी एच लिख रहा हूं यहां पे जैसे डिक्शनरीज में समवन को एस एम और समथिंग को एस टी एच लिखा होता है तो ये हो गया रेत ये हो गया आपका रेत अब इसके उलट कहानी क्या होती है इंग्लिश में एक्सेप्शन भर भर के हैं ज दिस लैंग्वेज इज ए खिचड़ी ऑफ मोर देन थ्री हंड्रेड लैंग्वेजे तो अब मान लो आपने ये दिमाग में बढ़ा लिया कि हाँ सर ने एक फॉर्मूला बता दिया लास्ट में ई लगेगा तो वो वर्ब हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल यह भी देखो उसी पैटर्न पे शब्द है बी ए टी एच एंड बी एच ई दिस इज नाउन दिस इज वर्ब बाथ एंड बेद कहा जाता है दिस इज बेद बेदिंग दिस इज बाथरूम बाथ तो ये स्नान है और ये स्नान करना है ये फर्क आ गया और उसकी वजह से इनकी जो प्रोनंसिएशन है ना दैट विल ऑल्सो बी डिफरेंट बाथ एंड बेथ बट वहीं पे लगे हाथ देखो एक और बड़ा बेसिक सा शब्द जो बचपन से देख रहे हैं ऑन दिस इज नाउन एंड ई एन ई एल ओ पी दिस इज वर्ब सो आई हैव गिवेन यू फोर ग्रुप्स इनमें से जो तीन है उनमें क्या दिख रहा है आपको दैट इज एविडेंटली कि भाई वर्ब के अंदर दैट इज एविडेंट कि वर्ब के अंदर आप ई लगा रहे हो ठीक है और यहां पे आप बिल्कुल उसका उलट देख रहे हो यहां पे लिफाफा जो है वो उसमें ई लगा हुआ है यानी नाउन में ई लगा हुआ है एंड ऑन वेलोपिंग समथिंग का मतलब क्या होता है फ्यूर ट्राइंग टू ऑन वेलपिंग समथिंग इसका मतलब आप कवर कर रहे हैं लिफाफा भी कवर ही तो करता है चीजों को तो इसका मतलब क्या हो गया टू कवर समथिंग ठीक है, बात समझ आ रही है पर लोथ वही है ना एडजेक्टिव और जो वर्ब है उसका फर्क है यहां लोथ और लोथ के अंदर अब जैसे यहां पे अनवेलप का मतलब लिफाफा और इसका मतलब किसी चीज को कवर करना तो बी बीएटीएच बात स्नान है वेद स्नान करना है यहां पे रेत नाउन है सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स अब देखो ये वन वर्ड में भी आ जाएगा व्हाट इज वन वर्ड तो वो रेथ है रेथ, और रेतंगू आर -E -E, क्योंकि वो circular है इसीलिए इसका मतलब किसी चीज को सर्कल करना वर्ब के तौर पे तो ये जो वोकैब डिवेलपमेंट है मैं यही आप तक पहुंचाना चाहता हूं और इसके बाद वोकैब बहुत आसान हो जाती है संजीत सर आपके कारण मेरा पी क्यू आर एस अब सही होने लगा है वर्षा मिल जाएगी पीडीएफ नहीं है ना ये मुझे भी नहीं पता होता की जब वर्ड मेरे सामने आएगा तो मैं क्या इन्फॉर्मेशन दूंगा तो बेस वर्ड तो मैंने आपके साथ दे दिए है बट उनके साथ जो चर्चा होगी वो भी मिलेगा ठीक है तो अब ये चर्चा है जो आपके ज्ञान में वृद्धि कर रहा है आइए आगे बढ़ते हैं अगला शब्द अब्लेट अब का मतलब होता है टू रिमूव और कट अवे अब मुझे लगता है कि पीछे को जो शब्द हमने अच्छा हाँ एक वर्ड ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा था मैं एंड भाई देख लो ये हम में से बड़े सारे लोगों को ना पूरी जिंदगी ये दिक्कत होती है और दिस इज अ केस ऑफ आयरनी कि आप इंग्लिश की क्लास में होते हैं बट लोगों को इस शब्द की स्पेलिंग में दिक्कत आती है तो प्रनाउंसिएशन देखिए ये नाउन है प्रनन इसको प्रनन इट्स नॉट प्रो प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है प्रोनासिएशन होता है जिसका मतलब है उच्चारण और ये क्या है उच्चारण करना तो जो वर्ब वाली स्पेलिंग है ना स्पेलिंग के क्वेश्चन में ये बहुत पूछे जाते हैं वर्ब की स्पेलिंग में एनओ यू एन आता है लेकिन जब नाउन वाली स्पेलिंग आती है तो वहां एन यू एन आता है इसी पैटर्न पे और कौन सा वर्ड है एक तो पीछे आपने देखा ही दूसरा वर्ड है ये दिनाउंस एन ओ यू एन सी ई डिनाउंस जो है ये वर्ब है और denunciation जो है दिस इज वॉट दिस इज नाउन denunciation दिस इज नाउन ठीक है और इसी पैटर्न पे एक और शब्द जो पीछे क्वेश्चन में था वो था आपका रिनाउंस रिनाउंस वर्ब है त्याग देना एंड रिनंसिएशन जो है ये आपका नाउन है ये वर्ब है और ये नाउन हो गया तो दिमाग में बिठा लें पक्के तौर पे स्पेलिंग में कभी गलतियां ना हो क्योंकि तीनों एक पैटर्न के थे तो इसलिए मैंने एक साथ बता दिया कि वर्ब में है और नाउन में एन यू एन है तो इसमें कंफ्यूज ना रहे आइए आगे बढ़ते हैं अगला शब्द है है इसका मतलब होता है टू रिमूव और कट अवे आपके लिए एक नया शब्द होगा बट इस रूट वर्ड के जरिए आप दिमाग में रख सकते हैं एब्ल्यूशन बड़ा प्यारा शब्द ये भी है एब्ल्यूशन एब्ल्यूशन द एक्ट ऑफ वॉशिंग अवे ऑफ इन इन राइट एब्लूशन वहां पे यूज होता है राइट right का मतलब क्या होता है अब देखो राइट right से बेसिक कंफ्यूजिंग वर्ड्स कौन से आ जाते हैं जैसे अब आपको एक फ्रेज दे दूं सो so दैट आपके दिमाग में बैठ जाए लास्ट राइट क्या बोला जाता है अंतिम संस्कार तो जब आप कोई राइट right या कोई रिचुअल कर रहे हैं उसमें जो धोने की प्रक्रिया है कि चीजों का शुद्धिकरण दैट इज कॉल्ड वॉट कि वॉशिंग अवे एब्लूशन राइट अब इसी राइट right के साथ और कौन सा एक रॉयट right आ जाता है दंगे वाला ठीक है तो ये दोनों ध्यान में रखना ये बेसिक स्पेलिंग है बाकी तो ये आरआई सभी को पता है और .E. सभी को पता है तो ये तो बेसिक है। राइट दाया और राइट लिखना हो गया आपका कर्मकांड रिचुअल्स हो गए और ये रॉयट जो है ये दंगे के लिए इस्तेमाल होता है ये आपके रिचुअल अगला शब्द है एबनिगेट एबनीगेट का मतलब क्या होता है ये भी

उसी को क्या कहोगे आप अब नॉर्मल कहोगे अवे फ्रॉम द नॉर्मल वही जो आपको कहा था अभी मैंने एबरेंट देखो यहाँ एबरेंट आ गया कि जो नॉर्मल है जो स्टैंडर्ड है आप उससे दूर जा रहे हैं डिविएट कर रहे हैं रास्ता आप भटक रहे हैं अबोलिश डू अवे विथ कंप्लीटली डिस्ट्रॉय राइट अबोलिश्ड तो अबोलिश्ड बहुत ही कॉमनली इस्तेमाल होने वाला वर्ब है जब किसी चीज को आप पूरी तरीके से खत्म कर दें तो वहां पे हम यूज करते हैं क्या अबॉलिश कि भाई ये कानून जो है ये अबॉलिश कर दिया गया खत्म कर दिया गया अबॉर्शन अबॉर्शन और स्क्रैपिंग अवे दैट इज कॉल्ड अबॉर्शन और अबॉर्टिव एफर्ट भी आता है जो एफर्ट आपका फेल हो जाए उसे हम कहते हैं एबॉर्टिव अब यहां से बनने वाला वो क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया अबॉर्टिव जिसमें आप असफल हो गए अबॉर्शन आप जिस सेंस में समझ रहे हैं वहां पे भी क्या है कि आप उस भ्रूण से निजात ही तो पाते हैं उसको दूर करते हैं अब्रेजन अब्रेजन इज अ रबिंग अवे एब्रोगेट करना इज टू रिपील करना और टू डू अवे विद अब्रोगेट। अब ये कहाँ आपको सुनने पढ़ने को मिला था एब्रोगेट आर्टिकल 370 को क्या किया गया एब्रोगेट कर दिया गया यहां पे रिपील शब्द आया हुआ है रिवोक आया हुआ है तो जब आप ये रिवोक शब्द जो है वो भी बहुत कॉमनली यूज होता है तो एब्रोगेट करने का मतलब कि भाई आपने उस चीज को खत्म कर दिया जो पहले से फंक्शनल था अगला शब्द है एप्सकॉन्ड बहुत सारे लोग एप्सकॉन्ड माइंडेड होते हैं यानी जहां हैं वहां पे नहीं है कहीं और है उनका दिल, दिल दिमाग to steal away and hide, to decamp, राइट right? कोई अपराध करने के बाद जैसे द पर्सन इज एप्सकॉन्डिंग तो क्या होता है कि अपराध करने के बाद वो इंसान गायब हो गया टू स्टील अवे चीजें चुराई उसने और फिर छुप गया वो तो वही द पर्सन इज एप्सकॉन्डिंग तो एब्सकॉन्डिंग का मतलब क्या कि वो मिल नहीं रहा है अपराध करने के बाद गायब हो चुका है और एब्सकॉन्ड माइंडेड जिन्हें हम कहते हैं तो वही है कि तुम्हारा दिमाग गायब है कहीं और है तुम कहीं और हो और दिमाग कहीं और है तो ये वोकैबलरी के जो यूसेज है ना एब्सकॉन्ड माइंडेड पर्सन अगर हम कह रहे हैं तो वहां पे कहानी कुछ अलग हो गई एब्सकॉन्ड की कि यानी वो इंसान जहां है वहां पे नहीं है उससे दूर है दिमाग उसका कहीं और है वो बैठा जरूर है वहां पे जबकि वहीं पे इफ अ क्रिमिनल इज एब्सकॉन्डिंग आफ्टर कमिटिंग अ क्राइम तो वहां पे सेंस क्या हो गया कि वो अपराध करने के बाद गायब है एब्जॉल्व बड़ा प्यारा शब्द ये भी है एब्जॉल्व Absolve, to free from blame, exonerate करना किसी को यानी किसी को आरोप से मुक्त करना exonerate करना ब्लेम से फ्री करना उसे और देखो ब्लेम के लिए अगेन वर्ड आएगा लेकिन फिर भी मैं यहाँ चर्चा आपसे कर लेता हूँ कल्प वर्ड आता है अभी क्योंकि हम बिल्कुल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कर रहे हैं इस बार कल्प का मतलब ब्लेम होता है और यहाँ पे आप देखें तो अब जैसे शब्द आ जाए कल्पेबल ऑफेंस तो कल्पेबल ऑफेंस का मतलब क्या कि एक ऐसा अपराध जिसपे जिसमें इंसान को आरोपी बनाया जा सकता है वहीं पे इनकल्पेबल भी आपने कई बार न्यूज में भी सुना पढ़ा होगा इनकल्पेबल ऑफेंस यानी जिसपे आरोप नहीं लगाए इनकल्पेबल होमिसाइड जैसे लगता है अब एक्सीडेंट में किसी की मौत हो गई तो वो डेफिनेटली इरादतन हत्या तो नहीं है वो गैर इरादतन हत्या है वो गैर इरादतन हत्या है भैया मेरे नोट के चक्कर में अभी क्यों बात कर हो गौरव भैया सुन लो यार इसको है? हमें ना नोट इकट्ठी करनी है किताबें इकट्ठी करनी है पीडीएफ डी इकट्ठा करना है दिमाग में कुछ इकट्ठा नहीं होता तो यहां दिमाग में चीजें भरिए क्लास भी आपके पास है क्लास नोट्स भी आप तक पहुंच जाएगी ठीक है तो कल क्योंकि मैंने ये शेयर आपको पढ़ाया नहीं था इसीलिए कल ये शेयर नहीं हुआ था यह शेयर हो जाएगा आपके पास उसकी टेंशन मत लो इसको छोटे फॉर्म में भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा यहां तो ये डेफिनेटली पी के फॉर्म में है क्योंकि मुझे क्लास में पढ़ाना है सो आई नीड टू डिस्कस अदर थिंग्स एज वेल जो उस शब्द के साथ जुड़ा हुआ है ठीक है बट आपको ऐसे भी लिस्ट मिल जाएगी तो लिस्ट के चक्कर में मत पढ़ा करो थोड़ा और जब बात चल रही तो ध्यान से सुनिए कोई और कॉमेंट कर रहे हैं इसका मतलब आपका पूरा ध्यान यहां नहीं है देखो वही पी मेथड तो इनकलबल का मतलब क्या होता है कि भाई जिसके ऊपर आरोप नहीं लगाया जा सकता मैंने वही बताया कि एक्सीडेंट में मौत हो गई तो भाई जिसकी मौत हुई उसकी भी तो गलती हो सकती है अब एक, एक एक्सप्रेस वे पर कोई सामने से आ जाए और उसकी मौत हो जाए जा तो ऐसा तो नहीं जिसने टक्कर मारी उसी की गलती तो उसके हम इनकल्पेबल होमिसाइड कहते हैं लेकिन जो इरादतन हत्या का मामला है वहाँ कल्पेबल हो जाएगा तो ये बड़े कॉमनली यूज होते हैं लेकिन देखिए आप अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किसी को इनकल्पेट कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं तो इनकल्पेट वर्ब हो गया और इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट हो जाता है एक्सकल्पेट और ये एक्स कल्पेट बता आपको क्यों रहा हूं क्योंकि यहां पे शब्द आया है एबजॉल्व का एक्सकल्पेट का भी वही सेंस होता है एक्स का मतलब हो गया एक्जेट और कल्प का मतलब ब्लेम यानी आप किसी को ब्लेम से मुक्त कर रहे हैं यू आर फ्रीइंग सम वन फ्रॉम ब्लेम एंड इन कल्पेट इनका मतलब हो गया अंदर जैसे कल भी हम बात कर रहे थे ना इनवॉल्व यानी इनका मतलब अंदर वो वी ओ एल का मतलब रोल करना किसी चीज में जब घूमते घूमते और फंसते चले जाते हो तो आप इन्वॉल्व हो जाते हो और इवॉल्व जो था वो एग्जिट था तो उसी तरीके से अगर आप किसी को आरोप मुक्त कर रहे हैं तो वो एक्सकल्पेट है तो एक्सकल्पेट भी आपको एक इसका इस मिल गया और इनकल्पेट क्या है किसी के ऊपर आरोप लगाना अब देखो दो इंटरेस्टिंग बात इनकल्पेबल यानी जब ये शब्द एडजेक्टिव के तौर पर यूज हो रहा है ये आपके क्या है ये एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो रहा है तो का मतलब जिस जो उस पर आरोप नहीं लगाया जा सकता लग culp मतलब मतलब अपराध इनकल नहीं लगाया जा सकता बट इनकल्पेट जब वर्ब है तो वहां उस का मतलब हो गया आरोप लगाना और एक्स कल्पेट का मतलब आरोप से मुक्त करना यहां से एक भी आता है जिसको हम कहते हैं कल्पा, मिया कल्पा. मेकल्प का मतलब होता है जब कोई इंसान अपनी गलती खुद में मान रहा हो यानी वो जब बोलता है आई एम गिल्टी सो इफ यू आर एक्सेप्टिंग कि हाँ आपसे गलती हुई है तो उसे कहा जाता है मियाकल्प एनी anyway, वे ये रूट वर्ड में आएगा हमारे पास हम करेंगे फिर उस समय भी अगला शब्द है एब्सटेंट करना होल्ड ऑफ फ्रॉम एज एब्सटेंट फ्रॉम वोटिंग परहेज जिसको आप कहते हैं उससे बचने की कोशिश करना तो एप्स्टेन ये बहुत आपको देखने को मिलता है पढ़ने को भी मिलता है कि भाई वोटिंग वोटिंग से उन्होंने एप्स्टेन किया खास तौर से जब संसद के अंदर पार्लियामेंट के अंदर आप देखते हैं कि किसी आ, मुद्दे पे वोटिंग की बात आती है तो कुछ लोग हाँ हैं कुछ लोग ना हैं और कुछ लोग एब्सटेन करते हैं भारत देश ने भी जब यूएन में भी पीछे हुआ रशिया यूक्रेन के मामले में कि कौन सा देश किसके पक्ष में है तो भारत ने वोटिंग से एब्सटेन किया राइट उससे दूर गया hold off from as abstent from voting absturgent absturgent अब आपके लिए नया शब्द होगा absturgent a clinger right something to remove dirt उसे हम क्या कहते हैं अब आप कहोगे सर डिटर्जेंट क्या है तो जरा इसकी कहानी देख के आना कल बताना मुझे कि ये कैसे अलग है तो दोनों शब्द क्योंकि देखो, देखो जब जैसे ही आपको आएगा कि समथिंग टू रिमूव डर्ट कोई चीज जो डर्ट को दूर करे उसे हम एबर्जेंट कहेंगे तो डिटर्जेंट में ई लग जाता है अब इन दोनों में क्या फर्क है ये आपके लिए होमवर्क है अगला शब्द है एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है पुल करना तो ड्रॉ अवे सेपरेट फ्रॉम एसोसिएशन एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट अब ट्रैक्ट जो है ना टी आर ए सी टी ट्रैक्ट अपने आप में मैंने क्या कहा एक वर्ड है और वर्ड का मतलब होता है पुल करना अब आप खुद देखो आपका दिमाग जो है वो दौड़ने लग जाएगा कि भाई जिसके जरिए हम पुल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं ट्रैक्टर कहते हैं आया ना आपकी गाड़ियों में ट्रैक्शन कंट्रोल का फीचर आता है ना ट्रैक्शन कंट्रोल कि भाई ट्रैक्शन गाड़ी लूज कर देती है यहीं से आता है अट्रैक्शन आप जब किसी को अट्रैक्ट करते हैं तो अपनी तरफ खींच रहे हैं यहीं से आता है कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है किसी चीज का सिकुड़ना तो कॉन का प्रिफिक्स के तौर पर मतलब है टुगेदर और ट्रैक्ट का मतलब पुल करना तो कोई चीज़ जब एक साथ पुल करेगी तो डेफिनेटली वो क्या करेगी वो सिकुड़ जाएगी कॉन्ट्रैक्शन होगा उसमें यहीं से आता है रीट्रैक्शन री कल हम बात कर रहे थे री जिसका मतलब बैक भी होता है और अगेन भी होता है तो यहीं से आता है प्रोट्रैक्शन या प्रोट्रैक्टर जो बचपन में आपने यूज किया तो वो प्रोट्रैक्ट करता है आगे तक खींच के ले जाता है प्रोट्रैक्शन या प्रो उसी से प्रोट्रैक्टर आ जाएगा तो ये ट्रैक्ट जो है ये आपका पुल है और यहीं से आता है एक्सट्रैक्शन अब देखो अब शब्दों को आप बिल्कुल एक नए चश्मे से देख रहे हैं तो ई एक्स का मतलब एग्जिट है ट्रैक्ट का मतलब पुल करना है यानी आप किसी चीज को जब एक्सट्रैक्ट करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स तो जमीन में छुपा हुआ है एक्स का मतलब एग्जिट ट्रैक्ट का मतलब पुल यानी बाहर उसको निकालते हैं सो दिस इज वॉट ये ट्रैक्ट है तो एबस्ट्रैक्ट एब्रैक्ट एब्सॉर्ब सच एन ड्रिंक इन एज स्पॉन्वर एब्सॉर्ब क्या करता है भाई वो खींच लेता है पानी अवशोषित कर लेना तो ये हमारा पहला प्रिफिक्स था एक तरीके से आइए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में जो आपको कराना चाहूंगा वो ये है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है एलि एलो और ऑल्टर एली एलो और ऑल्टर अगर ये रूटवर्ड आते हैं तो इनका मतलब क्या होता है अदर दूसरा और मैंने आपको क्या कहा था कि एक मतलब के जितने रूटवर्ड होंगे मैं उनको कंबाइंड करूंगा अब जैसे हो सकता है आपको ऑल्टर का मतलब अदर पता हो कि भाई वहीं से ऑल्टरेशन ऑल्टरनेटिव ऑल्टरकेशन यू नो ऑल्टर ईगो बहुत सारे शब्द निकल के आते हैं बट एली और एलो भी अदर के लिए इस्तेमाल होता है

इस पर्टिकुलर रूट वर्ड से हमें शब्द मिलते हैं और रूट वर्ड का मैं बार बार यही कह रहा हूं दिस इज द बेनिफिट अब जैसे मैं अगर मान लो कोई मेडिकल कोई आर्टिकल पढ़ रहा हूं जो मेडिसिन या मेडिकल के ऊपर बेस्ड है या दवाओं के जैसे आप नाम देखें तो बहुत बार ये रूट वर्ड आप अप्लाई करना शुरू कर देते हैं क्योंकि तो वो शब्द बनने के पीछे कहानी है वो आकाश से शब्द नहीं टपकते वो कैसे फॉर्म हुए हैं उनके बीच की कहानी है पहला शब्द है एलियास एलियास जरूर सुना होगा आपने हिंदी में भी जिसको हम बनाम कहते हैं यानी दूसरा नाम तो एलियास का मतलब एन अज्यूम्ड नेम यूजुअली टू स्केप द लॉ कानून से बचने के लिए जब अपराधी जो है वो कोई और नाम रख लेता है तो उसे क्या कहा जाता है एलियास अभी जैसे फुकरे फ्रेंचाइज मूवी की ना फुकरे थ्री आने वाली है तो उसमें जो भोली पंजाबन का कैरेक्टर है वो सोनू पंजाबन नाम की एक रियल डेली बेस्ड लेडी डॉन के ऊपर बेस्ड है तो वो दिल्ली में सही पाई जाती सोनू पंजाबन आप जाके उसको चेक कर सकते हैं बट सोनू पंजाबन उसका एक्चुअल नेम नहीं है एक्चुअल नेम कुछ और है जो मेरे दिमाग में अभी क्लिक नहीं कर रहा तो ऐसे होता है बहुत सारे अपराधियों के साथ आप देखेंगे कि भाई उनका नाम कुछ और है छोटा राजन छोटा शकील बट द एक्चुअल नेम इज समथिंग एल्स तो इसी को अज्यूम्ड नेम यानी अदर नेम बनाम दूसरा नाम ठीक है खास से लॉ को स्केप करने के लिए अगला शब्द है अलाइबी और अगेन ये वन वर्ड में बहुत बार ये शब्द आया हुआ है अलाइबी का मतलब होता है प्रूफ ऑफ बींग एल्स वेर एट क्राइम अब जैसे आपके ऊपर चार्जेस लगाए गए लेकिन आपने कोर्ट में जा करके ये प्रूफ कर दिया कि भाई देखो ये ट्रेन की मेरे टिकट है ये मेरे फ्लाइट के टिकट है आप कह रहे हैं कि मैं इस मर्डर के अंदर या इस क्राइम के अंदर इन्वॉल्व था लेकिन उस दिन तो मैं ट्रैवल कर रहा था सबसे अच्छा एग्जाम्पल दृश्य मूवी वाला दो अक्टूबर को सत्संग में गया था ये देखो बस की टिकट ये देखो रेस्टोरेंट का बिल यू you नो know? तो उसी को हम एल कहते हैं राइट right? कि प्रूफ ऑफ बीइंग समवेयर एल्स कि आप अदर जगह पे थे दूसरी जगह पे थे एट द टाइम ऑफ क्राइम अब एक तरीका यह है कि आप एल आई बी का आंख बंद करके मतलब याद करो लेकिन आज एल आई बी क्योंकि अब पता लग रहा है कि इसका मतलब अदर है तो आप उसको तुरंत कनेक्ट कर पाते हैं कि हाँ यार ये बात सही है कि यानी क्राइम के समय में अदर कहीं और था दूसरी जगह था अगला शब्द है एलियन अब देखो बहुत सारे लोग एलियन शब्द को परग्रही वो कोई मिल गया वो वाला दिमाग में बैठा हुआ है लेकिन एक शब्द के मैंने वही का बड़े लेयर्स होते हैं तो एलियन का मतलब सिंपली अ फॉरेनर भी हो सकता है नॉट अ सिटीजन ऑफ दैट कंट्री सो आप इंडियन हैं आप अमेरिका में जाके रह रहे हैं तो मतलब या गए हैं आप वहाँ की नागरिकता आपको प्राप्त नहीं है तो वो आपको एलियन कह सकते हैं तो एलियन का ये मतलब नहीं कि आप हिंदी मीनिंग रट के बैठे हो चौड़ में आ जाओ भैया मैं तो इसी गोले का रहने वाला हूँ सो so, यहाँ से फिर अब देखो एलियन हो गया नाउन एलियन एलियन, एलियन आ, दो सिलेबल हैं प्रोनाउंसिएशन इस तरह से है और अगला शब्द आ गया एलियनेबल एलियनेबल अब एली क्योंकि कैपिटल्स में लिखा है इसका मतलब यहां पे जोर होगा तो एबल आपने लगा दिया तो डेफिनेटली ये क्या बन गया एडजेक्टिव हो गया कैन बी ट्रांसफर टू एनदर जिसको दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सके वो है एलियनेबल अब हाँ एलिनेट भी है हमारे पास ये सिर्फ ग्रामेटिकल प्रोफाइल के चेंजेस हो रहे हैं इन एलियनेबल क्या हो जाएगा इन एलियनेबल अब जैसे मान लो आपको अगर नहीं पता तो आप डिक्शनरी देखते रूट वर्ड नहीं पता अब आपको कोई दिक्कत नहीं है इसका मतलब कैन नॉट बी टेकन अवे एज इन एलियनेबल राइट लिखा हुआ है इन एलियनेबल राइट यानी वो अधिकार जो आपसे छीने नहीं जा सकते आपसे अलग नहीं किए जा सकते वो इन एलियबल राइट हो गए सो इफ यू आर एनकाउंटरिंग विद दिस वर्ड इन न्यूज पेपर्स मैगजीन एडिटोरियल्स आर्टिकल्स अब आपको डिक्शनरी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन आज से पहले शायद इन एलियनेबल आता तो आपको लगता है यार कितना भारी सा शब्द लग रहा है पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं बट ये रूट वर्ड आपको इस तरह से empower कर रहा होता है अब यहां पे अगर इस शब्द को ब्रेक करो तो आपको दिख रहा है कि भाई ये किस हो गया यहां पे एलियन जो है वो पूरा रूट में आ गया और एबल साफिक्स हो गया पीआरएस मेथड टुकड़े दिख रहे हैं आपको एलियनिस्ट किसे कहते हैं एलियनिस्ट वन डिजीज ऑफ द माइंड अ साइकाइट्रिस्ट पुराने समय में जो साइकाइट्रिस्ट थे उनको एलियनिस्ट भी कहा जाता था अब देखो इसके पीछे भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है एक तो पहली बात साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं तो खैर ये साइकी रूट वर्ड अपने आप में आएगा पी एस वाई सी एच ई साइकी रूट वर्ड है अभी हम ए पे हैं पी पे आएंगे तो इससे मुलाकात आपकी होगी बट फिर भी क्योंकि आ रहा है तो मैं चर्चा कर लेता हूँ देखो साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो ह्यूमन माइंड की अंडरस्टैंडिंग रखने वाला व्यक्ति होता है उसका ये मतलब नहीं होता है कि वो मानसिक बीमारियों का डॉक्टर ही हो एक साइकोलॉजिस्ट की जरूरत होती है पढ़ाने के लिए भी जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मुझे साइकोलॉजी की समझ चाहिए कि भाई मेरे कौन किस एग्ज़ाम के स्टूडेंट हैं उनका क्या लेवल होगा उनको क्या समझ नहीं आता उनको कैसे बताया जाए इसीलिए साइकोलॉजिस्ट स्कूल्स में भी रखे जाते हैं बच्चों के काउंसलिंग के लिए कि भाई बच्चा कहाँ पे फंस रहा है उसकी क्या दिक्कत है उसके क्या चैलेंजेस हैं अब जैसे कल ही हमने बात की ना कि वोकैब में हम क्या कर रहे हैं और पेपर में करना क्या है तो ये माइंड जब समझोगे सोचना शुरू करोगे तब तो, तो समझ आएगा कि हम हिंदी मीनिंग रट रहे हैं पर्यावाची रट रहे हैं पेपर दोनों नहीं पूछ रहा पेपर पूछ 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 कुछ और रहा है और आप कर कुछ और रहे तो क्या यहां माइंड की जरूरत नहीं माइंड के समझ की कि हम थोड़ा दिमाग लगा के सोचें कि हम मेरा पेपर क्या पूछ रहा हैं मैं क्या क्या कर रहा हूं दूसरी बात उसकी जरूरत आपको एडवर्टाइजिंग में है मार्केटिंग में साइकोलॉजिस्ट हर जगह है साइकाइट्रिस्ट जो है वो मानसिक बीमारियों के लिए आता है अब इसके पीछे कहानी क्या है हम किसको पागल बोलते हैं यार बड़ा पागल सा आदमी है बहका बहका सा रहे पता नहीं लग रहा है ना कोई और इसके ऊपर सवार हो गया है तो कोई और सवार हो गया कुछ और इसके सर पे छाया हुआ है माता जी आ गई देवी ये जो अलग अलग हम यूज कर रहे होते हैं एक्सप्रेशंस ये कहानी वहीं से जुड़ी हुई है वन तो तो मतलब है, है और एब नॉर्मल है तो इसका मतलब कुछ और है इसके दिमाग में तो जो कुछ और वाले को दूसरी दुनिया की चीज को क्योंकि बाकी लोगों को तो लग रहा है कि हम तो ऐसे नहीं है ये थोड़ा दूसरी दुनिया जैसा बिहेव कर रहा है पता नहीं अजीब सा बिहेव कर रहा है तो उस दूसरी दुनिया के लगने वाले व्यक्ति के दिमाग का जो इलाज करे इसलिए उस समय उसको एलियनिस्ट कहा गया तो शब्द के पीछे पूरी की पूरी कहानी है अगला शब्द है एलोगेमी एलोगेमी रिप्रोडक्शन बाय क्रॉस फर्टिलाइजेशन तो देखो गेमी जो शब्द है ये मैरिज के लिए आता है पेपर का बहुत जैसे कहते हैं ना मोस्ट लव्ड जो मैं आपको कहा भी था कि 20 से 25 रूट ऐसे हैं जहां से 80 90 परसेंट क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो उसमें गेमी भी है तो गेमी का मतलब शादी होती है बट शादी का मतलब ये नहीं कि लिटरली शादी हमेशा ही होगी अब गेमी रूट वर्ड जो है वो इंसानों के लिए तो इस्तेमाल होता ही है ये फिलो गेमी मिजो गेमी एंडो गेमी एक्जो गेमी हाइपर गेमी हाइपो गेमी ये राइट ये बड़े सारे शब्द निकल के आते हैं वहां पर महिला की उम्र ज्यादा पति की उम्र कम मतलब पत्नी की उम्र ज्यादा तो क्या शब्द है एनिलो जुवेनो गेमी एनिलीज का मतलब होता है वोल्ड वुमेन जुबेन यंग तो जो प्रियंका चोपड़ा वाली शादी उसको एनिलो जुबेनो गेमिंग कहा जाता है जुबेनाइल से यंग हो गया गेमिंग से शादी हो गई तो बड़े से बड़े ये सब आपको कराऊंगा कम से कम 20-25 वर्ड हैं गेमिंग से पेपर में तो वही सात आठ पूछते हैं बट आपकी समझ और ज्यादा शब्दों की होगी वहां पे तो एलो गेमी वही है कि तुमने अदर से शादी कर ली अदर से कर ली का मतलब क्या क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो गया तुमने अपने ब्रीड में शादी नहीं की जैसे आजकल हमें जब इन सब्जियों का जीएम वर्जन देखने को मिलता है ना जेनेटिकली मॉडिफाइड तो जेनेटिकली मॉडिफाइड का क्या मतलब है कि भाई उनकी क्रॉस ब्रीडिंग कराई गई है तो जीव जंतुओं में फसलों में इन सभी के अंदर एलोगेमी निकल के आता है संकर प्रजाति से हम कहते हैं भाई क्रॉस फर्टिलाइजेशन एलियनेट करने का क्या मतलब होता है एलियनेट अगर आपने कर दिया टू ट्रांसफर टू अनदर या टू स्ट्रेंज एलियनेट करने का मतलब वही चीज की अलग थलग कर देना जैसे आपने कई बार न्यूज में स्ट्रेंज वाइफ और हस्बैंड पढ़ा होगा कि पति पत्नी में तलाक होने वाला है लेकिन तलाक से दो साल पहले तीन साल पहले से भी वो एक दूसरे से दूर दूर रह रहे हैं तो अगर आप किसी को एलियनेट कर देते हैं इसका मतलब उसको अलग थलग कर दिया इफ इज फीलिंग एलियनेटेड इसका मतलब कि वो ये नहीं फील कर रहा है कि आप उसके साथ हैं उसको लग रहा है कि आपने उससे किनारा कर लिया है अगला शब्द एलियनेशन ये सिर्फ देखो ग्रामेटिकल प्रोफाइल यहाँ पे है दिस इज नाउन एलियनेशन द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग टू अनदर एज एलिनेशन ऑफ अफेक्शन अब देखो यहां पे इसीलिए ना ये भी समझना जरूरी है कि कहां पे यूज होगा एलियनेशन ऑफ अफेक्शन यानी आपका प्यार अभी तक किसी और के लिए था अफेक्शन अब उसको ट्रांसफर आपने किसी और के लिए कर दिया है ठीक है वो एलियनेशन होता है एलोग्राफ द साइनिंग ऑफ एनेदर्स नेम इसीलिए लिखा था फोर्जरी जब आप जालसाजी करते हैं और किसी और के नाम पे आपने साइन कर दिया तो उसे एलोग्राफ कहा जाता है ग्राफ जो है वो अपने आप में रूट वर्ड है जिसका मतलब राइट करना होता है राइट तो डेमोग्राफी बिब्लियोग्राफी जैसे आप जब अपनी बुक्स पढ़ते हो तो बुक्स में चैप्टर्स के लास्ट में बिब्लियोग्राफी लिखी होती है तो बिब्लियो का मतलब बुक्स ग्राफी का मतलब उनकी लिस्टिंग लिखी होती है वहां पर कि इस चैप्टर को लिखने में किन किन किताबों से रेफरेंस लिया गया है एलोटिपिकल एजेक्टिव है रिलेटिंग टू अदर टाइप्स तो देखो टाइप से वही निकला है ना टिपिकल टाइप सेल है तो कोई चीज एलो टिपिकल है तो इसका मतलब क्या है कि भाई वो बाकियों जैसी नहीं है अदरस टाइप से मिलती जुलती है एलोलैलिया एलोलेलिया एलोलेलिया एलो ये भी बड़ा प्यारा शब्द है और बीमारी से संबंधित है इससे एक शब्द और ध्यान में आ रहा है जो ईयू रूट वर्ड से आता है जिसका मतलब होता है गुड और वह है यू यूलेलिया यू यू का मतलब होता है गुड स्पीच प्लेजेंट स्पीच इसका मतलब होता है प्लेजेंट स्पीच तो ये जो लेलिया वर्ड है ना ये स्पीच के साथ जुड़ा हुआ है और यहां पे अगर हम रूट वर्ड ई यू की बात करें तो इसका मतलब गुड होता है और ये भी अगेन बड़ा ही हाई रूट वर्ड है यूफनी आप देखो पेपर में इतनी बार आया हुआ है यूफनी का मतलब फोन का मतलब साउंड का मतलब गुड कानों के अच्छा लगने वाले साउंड को यूफनी कहा जाता है और एग्जैक्ट ऑपोजिट कैकोफनी तो यूफनी कैकोफनी तो बीसियों वर्ड अलग अलग पेपर से पूछा गया होगा यहीं से आपके पास यूफोरिया यूथनेशिया यूक्रेजिया यूस्मिया यू डिप्सिया यू पेप्सिया यू थर्मिया बहुत सारे शब्द आते हैं तो वो उस समय हम करेंगे तो एलोलेलिया

वो आप नहीं बोल पा रहे ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जब डिस्टर्ब होता है सीएनएस की जब प्रॉब्लम आती है तो उसकी वजह से ये दिक्कत आती है तो एलो लेलिया का मतलब आप लेलिया बोलने से जुड़ा हुआ है वहां जैसे speech, एलो का मतलब अदर बोल रहे हो कुछ जो बोलना चाहते हो उससे अगला शब्द है एलोनिम अब देखो एलो वन वर्ड में कई बार यह शब्द पूछा गया है एलोनिम द नेम ऑफ एनदर पर्सन यूज्ड बाय एन ऑथर क्योंकि ओनीम जो है ना ये अपने आप में अगेन रूट वर्ड है ओनीम शब्द का मतलब नेम होता है ओनीम का मतलब नेम होता है कौन कौन से शब्द दिमाग में आ रहे हैं देखो सबसे पहले ये जो पढ़ते हो ना सिननीम ये शब्द भी यहीं से बना हुआ है एंटनीम यहीं से बना हुआ है पैरोनीम ये सारे जितनी ओनीम वाले कैटेगरीज है ना सब यहीं से बने हुए हैं यहीं से आपको मिलता है एनोनिमस लेटर साइंस ऑफ वोकैबलरी अब देखो सिन का मतलब सिमिलर ओनीम का मतलब नेम यानी सिमिलर नेम यानी पर्याय वाची एंटी का मतलब क्या होता है अगेंस्ट ओनीम का मतलब नेम तो एंटी औ, एंटी में टी आई लग जाता है लेकिन जब दो शब्द जुड़ते हैं तो डेफिनेटली जो लास्ट के लेटर्स होते हैं उसमें वो गायब हो जाते हैं तो एंटी का मतलब अगेंस्ट होता है लेकिन जब दो शब्द जुड़े तो आई गायब हो गया एंटनीम हो गया वो और एंटनीम इज वॉट जो ऑपोजिट शब्द है पैर का मतलब होता है बराबर पैरिटी तो कल हमने पैरोनिम की भी चर्चा की थी नहीं की थी अगर नहीं की थी तो कर लेंगे हम ग्रुप्स वाले मेथड के अंदर अभी हम रूट वर्ड की बात कर रहे हैं तो पैरोनिम जैसे आपके पास शब्द है डिस्क्रिमिनेटरी और डिस्क्रिमिनेटिंग आपके पास शब्द है लग्जूरियस लग्जूरियन तो अब ये दोनों शब्द कहां से पैदा हो रहे हैं ये पैदा हो रहे हैं लग्जरी से ये दोनों शब्द पैदा हो रहे हैं डिस्क्रिमिनेट से लेकिन दोनों में फर्क है दोनों की ग्रामेटिकल प्रोफाइल भी सेम है अब आप जब किसी को बोलते हैं उसकी डिस्क्रिमिनेटिंग अबिलिटीज बहुत अच्छी हैं ही हैज़ अ फैंटास्टिक डिस्क्रिमिनेटिंग अबिलिटी तो वहां पे आप डिस्क्रिमिनेटिंग का इस्तेमाल पॉजिटिव सेंस में कर रहे हैं जब एक इंसान के पास अच्छी एनालिटिकल एबिलिटी होती है वो चीज़ों को अच्छे से ब्रेक करके समझ पाता है तो उसको डिस्क्रिमिनेटिंग एबिलिटी कहा जाता है और शब्द डिस्क्रिमिनेट से ही पैदा हो रहा है ये सभी को समझ में आ रहा है और डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस का मतलब भेदभावपूर्ण प्रैक्टिसज जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस चल रही हैं इसका मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के बीच में एम्प्लॉज़ के बीच में भेदभाव किया जाता है ऐसी लग्जूरियस का मतलब फुलाफैशो आराम लग्जरी से भरपूर लेकिन लग्जूरियन का मतलब होता है कोई चीज़ जो हाईली फर्टाइल हो जिसकी उर्वरता बहुत अच्छी हो जिसकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी हो उसे हम लग्जूरियट कहते हैं जैसे अब कोई मान लो सेब का बाग है और बिल्कुल हर बहुत सारे सेब अच्छे वहाँ पे यू नो प्लम एप्पल्स आपको नजर आ रहे हैं तो वो उस बाग को आप क्या कह सकते हो उसको लग्जूरियंट आर्चर्ट बोल सकते हो आप बिकॉज वहाँ पे पैदावार बहुत अच्छी किसी के बाल बहुत घने हैं तो लग्जूरियंट हेयर इस्तेमाल हो लेता है बारिश के दिनों में हरियाली बहुत छा जाती है घास बहुत उगाती है तो आप वहां पे भी यूज करते हो लग्जूरियंट ब्लेड ऑफ ग्रास यानी घास की पैदावार बहुत अच्छी है देर इज अ लश वेजिटेशन राइट तो और एनोनिमस लेटर का मतलब क्या कि जिसमें नाम नहीं लिखा हो एन हो गया नेगेटिव ओनिम हो गया नेम ओ यूएस सफिक्स हो गया जो एडजेक्टिव का काम करता है तो एनोनिमस लेटर यानी एक ऐसा लेटर जिसमें नाम का जिक्र नहीं है या एनोनिमस फीडबैक फॉर्म जब फीडबैक फॉर्म आप भर रहे होते हैं तो उसमें नाम की जरूरत नहीं होती है तो वही है ये एलोनीम यानी द नेम ऑफ एनदर पर्सन यूज बाई एन ऑथर उसी से बन वाला एडजेक्टिव हो गया एलोनिमस एलोनिमस एडजेक्टिव यानी आप अपने काम के लिए कौन सी फिल्म थी बरेली की बर्फी ना बरेली की बर्फी में ये आप अगर फिल्म देखी है आपने तो वहां पर कुछ कहानी ऐसी ही थी लिख कोई और रहा था नाम किसी और का था ऑल्टर वर्ब है टू चेंज समे चेंज करते हैं ऑल्टर करते हैं ऑल्टरेशन इसी से बनने वाला नाउन हो गया राइट right? कपड़े में ऑल्ट्रेशन कराना है ऑल्टर ईगो ईगो अपने आप में रूट वर्ड है जिसका मतलब आई होता है और बड़े सारे शब्द आते हैं जैसे ईगोइस्ट ईगो टिस्ट ईगो सेंट्रिक ईगो राइट ऑल्टर ईगो तो ऑल्टर ईगो जो है अ सेकंड सेल्फ अ बॉसम फ्रेंड मतलब ऑल्टर का मतलब अदर ईगो का मतलब आई यानी अदर आई यानी एक ऐसा इंसान जिससे आप बहुत मेल खाते हैं उसे ऑल्टर ईगो कहा जाता है यह भी वन वर्ड में आता है ऑल्टरकेट ये वर्ब है इसका मतलब होता है किसी से मौखिक वाद विवाद करना जो हीटेड एक्सचेंज होता है कि आपने किसी पे गर्मा गर्मी दिखाई उसने आपको दिखा दी उसे हम ऑल्टरकेट करना कहते हैं और रेंगल देखो शब्द यहीं से आया wrangler ब्रांड है ना तो wrangler हम उसे कहते हैं जो शास्त्रार्थ कर रहा है जो मौखिक वाद विवाद कर रहा है और इसी ऑल्टरकेट से आपके पास ऑल्टरकेशन आ जाता है जैसे ये वर्ब है ना तो ऑल्टरकेशन कई बार पेपर में पूछा हुआ है ऑल्टरकेशन तो का मतलब वही मौखिक वाद विवाद ऑल्टरनेट जब आप बात करते हैं बहुत सारे लोग ऑल्टरनेट और शब्द के यूज में गलतियां करते हैं लगता है लोगों को कि दोनों इंटरचेंजेबल हैं एक के बदले दूसरा लगा लो तो ऐसा नहीं होता ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है बाई टर्स नाउ वन नाउ एनिदर एज एन राइम स्कीम बल्कि ऑल्टरनेटिव का मतलब आपके पास चॉइस होती हैं तो हम बोलते ना कि यार तुम्हारे पास क्या ऑल्टरनेट है इसके अलावा तो ऑल्टरनेट नहीं है क्या अल्टरनेटिव alternatives का मतलब तुम्हारे पास और दूसरी चॉइस क्या है अदर चॉइसेस आई हैड नो अल्टरनेटिव कि यार मेरे पास कोई और चारा नहीं बचा अब मैं कुछ और नहीं कर सकता मुझे ये करना ही पड़ेगा तो अल्टरनेटिव चॉइसेस के लिए इस्तेमाल होता है अल्टरनेट अब जैसे आप अल्टरनेट मंडे की बात कर रहे हो तो यानी एक मंडे छोड़कर दूसरा मंडे ये हो जाता है अल्टरनेट का मतलब ठीक है तो आज की सभा होती है यहीं पे समाप्त कल मिलेंगे और फिर इसके बाद अब देखो ये आपको दिया तो जा सकता है सारे के सारे बट अगेन डिस्कशन जरूरी है इनके साथ अब जैसे ये बहुत प्यारा रूट वर्ड है तो कल हम इनकी बात करेंगे तो इस ध्यान इस बात को ध्यान में रखेंगे आप कि uh, जैसे मैंने कहा था कि कल सैटरडे भी क्लास आपकी होगी मॉर्निंग में राइट right? और कल मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा लंबा पढ़ाऊँगा यहाँ पर जैसे सैटरडे की मेरी ये कोशिश रहेगी कि ये सवा घंटे डेढ़ घंटे ये क्लास हो जाए ठीक है तो कल मिलते हैं और कल ए से बनने वाले जो भी रूट वर्ड्स हैं उनकी हम समाप्ति करेंगे जो पेपर के लिए हमारे पास रेलेवेंट है ठीक है तो अब इसका यह मतलब मत सोच लेना कि सभी रूट वर्ड में कुछ लेटर्स से नहीं है उतने रूट वर्ड तो ऐसा नहीं कि 26 अक्षर हैं तो 26 दिन तो लगी जाएगा ये सब कैलकुलेशन मत करने लग जाना आ, हो सकता है कि आपकी 20 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर ये वाला पोर्शन खत्म हो जाए आ, तो इसमें सारे के सारे जो रेलेवेंट वंस हैं वो सब आप डिस्कस कर लेंगे और बहुत अच्छे तरीके से आपकी वो कैब डिवेलप होगी आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं थोड़ा सा आ, मतलब अगर आपके लिए चीजें नई हैं इस तरह से वो कैब को देखना तो थोड़ा चार पांच दिन लगेगा धीरे धीरे फिर आप भी मेरे फ्रिक्वेंसी में आ जाओगे और जो सवाल आप यहाँ पूछते रहते हो तो ना आपको इतना शब्द कैसे आता है तो आपको भी आ जाएगा अब जैसे मैं अपने आप को रोकता बहुत हूं कि अब जैसे ई निकल के आया तो ई से मैंने मौखिक तौर पर कुछ बारह वर्ड बोल दिए दस बारह अभी लिखने जाएंगे हम तो यू से भी कम से कम बीस वर्ड यू का मतलब गुड होता है अच्छा होता है तो आपको खुद इंटरेस्ट आने लग जाता है बिकॉज यू अंडरस्टैंड द डायनेमिक्स ऑफ और हमें इस बात का भी पता है कि यह मेथड हमारे पेपर वाले क्वेश्चन के लिए बहुत कारगर है ओडब्ल्यू एस एक शब्द में क्या बोलेंगे वो भर भर के आपको दिख रहा है साथ ही साथ क्योंकि बहुत सारे ऐसे रूट्स हैं जो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं उनकी भी चर्चा हम करेंगे आगे और जब रूट आएंगे वो और साथ ही साथ इससे आपको फायदा होता है प्रोनान्िएशन में भी स्पेलिंग में तो होगा ही प्रोनन्सिएशन भी आपने देखा क्योंकि रूट वर्ड से एक बड़े शब्द के बनने में जितने भी टुकड़े इस्तेमाल होते हैं जिन्हें हम सिलेबल कहते हैं आपको उन सिलेबल की समझ होती है और आपको ये भी पता लगता है क्योंकि तो मैंने यहाँ पे आपके सामने उसका जो प्रोनासीशन वाला आस्पेक्ट है वो भी साथ में लिखा हुआ है जो कैपिटल्स में लिखा है वहाँ पर आपका वोकल स्ट्रेस ज़्यादा होना चाहिए जो स्मॉल केस में लिखा है वहाँ नहीं होना चाहिए तो इससे प्रोनाउंसिएशन भी बेहतर होगी और प्रोनाउंसिएशन का सबसे बेस्ट तरीका है कि जो आपकी डिक्शनरीज हैं जिनकी चर्चा मैंने कल भी की थी आज फिर कर लेता हूं कल भी कर लूंगा फिर से ऑक्सफर्ड डिक्शनरी कैम्ब्रिज डिक्शनरी मेरियम वेबस्टर कॉलिंस मैकमिल्स ये आपके स्टैंडर्ड डिक्शनरीज हैं कोई भी नया शब्द अगर आपको ढूंढना है तो कम से कम दो से तीन डिक्शनरी में डालो कैम्ब्रिज में भी डालो ऑक्सफोर्ड में भी डालो तब जाकर के थोड़ी होलसम अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होती है उसके मीनिंग को लेकर के क्योंकि एक शब्द मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हो सकता है अलग अलग जैसे आप यहां पे भी देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बता रहा हूं, शब्दों के तो उससे आपकी आदत में सुधार होगा और उन डिक्शनरीज में भी छोटा सा लाउड स्पीकर का आइकन बना होता है वहां लिखा होता है बी आर ई और यू नो अमेरिकन एन ए लिखा नॉर्थ अमेरिकन तो वो क्या है कि प्रोनाउंसिएशन का आइकन है साउंड का आइकन है लाउड स्पीकर छोटा सा बना होता है तो ब्रिटिश प्रोनाशिएशन जो है वो हमें स्टैंडर्ड फॉलो करनी होती है इंडियन भी होती है बट वहां जो लिखा है मैं उसी की बात कर रहा हूं तो आप उस पर क्लिक करके कान में सुन सकते हैं कि भाई इसकी राइट right प्रोनाशिएशन क्या है तो देखो जो कानों में पड़ेगा ना जबान से वही बाहर आता है तो अगर हम गलत बोलते हैं तो उसके पीछे का रीजन ये है कि गलत ही कानों में पड़ा है और बचपन की आदत सुधार तभी होगी जब आप उसमें थोड़ा एक्टिवली लगोगे तो इसीलिए स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन आप वहां से सुन सकते हैं शब्दों का अदरवाइज स्टार्ट लिसनिंग टू यू नो इंग्लिश न्यूज चैनल्स यू कैन लिसन टू ऑल इंडिया रेडियो न्यूज एज वेल क्योंकि जो न्यूज रीडर्स होते हैं इंग्लिश के दे स्पीक स्टैंडर्ड इंग्लिश तो ये फिल्मों से और सीरीज से जो अंग्रेजी आपको मिलती है ना वो इनफॉर्मल भी होती है और बहुत तरह का वहां पे इसको कहते हैं ना क्रिएटिव फ्रीडम ले लेना वो लीवे भी ले लेते हैं अब जैसे वो पंजाबी का एक गाना है ना शी डोंट नो शी डोंट नो अब आप कहो हमने तो बचपन से पढ़ा था ही शी के साथ डज लगता है हैं इन्होंने गाना बनाया है यूट्यूब पे है ये सही होंगे ऐसा नहीं चलता है गाने में कुछ भी सेट कर सकते हैं तो शी डोंट नो भी बोल सकते हैं वो तो वही इस बात का ध्यान रखिए कि स्टैंडर्ड चीज़ों स्टैंडर्ड रिसोर्स से पढ़ो आप ये डिक्शनरीज भी स्टैंडर्ड रिसोर्स है हम आप शब्द का मतलब तो बताते नहीं बनाते नहीं हम उसका डायनेमिक जरूर समझ सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं कि इंग्लिश में बनने वाला हर शब्द रूट वर्ड से ही बनता है ऐसे आपके पास सिक्सटी फाइव टू सेवेंटी परसेंट वर्ड्स अभी मैंने ग्रुप आपके लिए इंट्रोड्यूस नहीं किया है तो ग्रुप जब इंट्रोड्यूस करूंगा तो उनके में भी बात समझ आएगी एपोनिम्स भी हैं हमारे पास होमोफोन्स भी हैं पेरोम्स भी हैं बहुत सारे थीमेटिक वर्ड्स हैं नो तो अलग अलग तरीके से शब्दों का निर्माण होता है लेकिन हम अभी सबसे पहले उस तरीके को यहाँ पे अडॉप्ट कर रहे हैं जिससे एक मेजर चंक ऑफ वो बनी हुई है और साथ ही साथ उसका फायदा हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी होगा ठीक है? अप टुमारो कल मिलते हैं आठ बजे इसी समय थैंक यू हां जी रूपाली सैटरडे की क्लास भी मॉर्निंग में ही होगी कल भी मॉर्निंग में आठ बजे ही मिलूंगा मैं आपसे हाउ मच अप द कोर्स विल बी कम्प्लीटेड अपजियल मेन्स तक ऋषभ काफी कम्प्लीट हो जाएगा बिकॉज इसीलिए देखो दो क्लासेज चल रही हैं अभी कॉम्प्रहेंशन और वोकेबलरीरी बैच के अंदर ये तो वो अलग से मैं लेते आया क्योंकि कुछ लोगों की डिमांड थी अदरवाइज डेफिनेटली ये सारी क्लासेस हमारे कॉम्प्रिहेंशन और वोकेबलरी बैच दोनों में चल रही हैं तो इसीलिए दो क्लासेस करी हैं कि आपका दो क्लासेस के साथ जल्दी निपट जाएगा तो ये उम्मीद करता हूँ कि मेन्स के पहले हो जाएगा काफ़ी कुछ आर आप कर ही हैं शाम को ठीक है पैराजल आपने कर लिया है पैरा कम्पलीशन कर लिया है वन आउट कर लिया है आर आप कर रहे हैं और जैसी वो कैब की क्लास दो हफ्ते आपकी बीत जाएगी तो फिर मैं फिलर्स और क्लोज टेस्ट भी आपका शुरू कर दूंगा तो उससे फिर आपको आइडिया लग जाएगा फिर चीज़ें कवर हो जाएंगी बहुत आसानी से चलिए थैंक यू एवरीवन